हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ऐसा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे पीस किचन में। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ कढ़ाई पनीर मटर रेसिपी। ऐसा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट शुरू करते हैं कढ़ाई मटर पनीर रेसिपी बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें ऑयल मतलब देसी घी गर्म करने के लिए डाल रख दिया है। जैसे हमारा देसी घी गर्म हो जाता है, उसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ते, दालचीनी एक टुकड़ा, जीरा डालेंगे 1 चम्मच, 10 सेकेंड के लिए तड़कने देंगे। साथ में डालेंगे प्याज। सो प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो जितनी देर हमारा प्याज पक रहा है, गोल्डन ब्राउन हो रहा है, उतनी देर में हम क्या करेंगे, प्याज और शिमला मिर्च को अलग से क्यूब्स में काट के अलग से फ्राई कर लेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, प्याज को हमने फ्राई कर लिया है एंड शिमला मिर्च भी फ्राई कर लेते हैं अलग से। तो दोस्तों, प्याज और शिमला मिर्च हमारे ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। साथ में अब इसी में प्याज डाल देते हैं, तो जो थोड़ा बहुत कच्चापन रहता है प्याज में वो भी निकल जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हमारा प्याज भी 50% पक चुका है एंड थोड़ी देर और पकाएंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक वेट करेंगे। तो सो फाइनली दोस्तों, हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसी में डाला मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। अच्छे से 5 सेकेंड के लिए अदरक लहसुन को भी पका लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। साथ में डालेंगे अब दोस्तों इसमें हरी मिर्च और टमाटर जो मैंने पहले से ही चॉप करके रख लिया था, और इसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल के स्वाद अनुसार मिक्स कर लेंगे। तो ये जा रहा है 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए टमाटरों को भी गलने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे टमाटर भी गल चुके हैं। अब इसी में डालते हैं बाकी के मसाले, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड कश्मीरी लाल मिर्च, किचन किंग मसाला। साथ में डालेंगे कस्तूरी मेथी। साथ में दोस्तों मटर डाल के अच्छे से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और ये मैंने फ्रोजन मटर का यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको सीजनली मटर मिल रहे हैं तो उनका भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। सो अब इसी में डालते हैं हम 1 से 2 चम्मच घर की बनाई हुई मलाई। मलाई से दोस्तों टेस्ट भी अच्छा आता है और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है सब्ज़ी हमारी। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे मलाई को। और अब इसी में डालेंगे 1/2 गिलास पानी दोस्तों, हल्का ग्रेवी रखने के लिए और ताकि जो हमारी जो सब्जियां हैं, पनीर है, उसमें मसाला सारा एग्जॉर्ब हो सके। तो ये मैंने फ्राई पनीर भी फ्राई कर लिया था अलग से। और साथ में डाल देंगे शिमला मिर्च, प्याज जो मैंने क्यूब्स में फ्राई करके रखी थी। सो दोस्तों, 5 से 10 मिनट अच्छे से हम लो फ्लेम पे पका लेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हमारी कढ़ाई पनीर मटर रेसिपी बनकर रेडी हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को हमारी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।